हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कार्बोरेटर की ट्यूनिंग कैसे करते हैं। तो ये है हमारे पास थ्रॉटल स्क्रू एंड यहाँ पर हमारा मिक्सचर स्क्रू है और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर चोक है, जिसको अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, मॉर्निंग में ज़्यादा लग रहा है कि बार बार आपको करना पड़ रहा है, तो चोक आप थोड़ा बाहर दे सकते हैं, एक पेट्रोल का अच्छा फ्लो जाता है। उसके बाद आप इसको अंदर जरूर करना मत भूलिएगा, वरना गाड़ी आपकी बहुत जल्दी जल्दी बंद होगी। ठीक है, तो फर्स्ट मैं बात एक बार गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ, फिर आपको बात करता हूँ। अब देखते हैं ये स्टार्ट हो चुका है एंड मैं थ्रॉटल स्क्रू को थोड़ा ऊपर करने वाला हूँ। ये आप देख रहे हैं रेस थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको आइडल में लेके आता हूँ, थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। ये देखिए टैपिंग का नॉइज़ आप सुन सकते हैं, यहाँ पे गाड़ी बंद हो सकती है, कभी बंद हो सकती है। तो इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, इतना अगर मैं रखता हूँ तो कभी भी ट्रैफिक में बंद नहीं होगी। थोड़ा थ्रॉटल देके बताता हूँ आपको मैं, ये गाड़ी इस थ्रॉटल पे कभी भी बंद नहीं होगी। ठीक है, अब मैं मिक्सचर स्क्रू की बात करता हूँ, तो मिक्सचर स्क्रू का मैं आपको बताता हूँ कैसे आप सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर स्क्रू आप याद रखिएगा एक नल के टैप की तरह है, जितना आप ज़्यादा उसको बाहर की तरफ रखेंगे उतना ज़्यादा पेट्रोल फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये अभी मैं बाहर की तरफ ला रहा हूँ उसको, पूरा बाहर करने के बाद आपको अंदर धीरे 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 अंदर करते जाइए करते जाइए करते जाइए। देखिए अभी साउंड चेंज होना शुरू हो गया है। ठीक है, अगर मैं इसका हाफ, जब साउंड एकदम लग रहा है कि गाड़ी बंद होने वाली है, उससे हाफ आप देख लीजिए, वहां से उसका हाफ आप एक बार और घुमाइए, ये परफेक्ट है इस पोजीशन में। ठीक है, आप यहाँ से इसको छोड़ सकते हैं, थ्रॉटल की सेटिंग थोड़ी कम कर दीजिए आप, दैट्स इट, परफेक्टली ये हो चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ से अगर आप इसको इस थ्रॉटल सेटिंग पे आप चलाते हैं, आपको 35 टू 40 के बीच में एवरेज मिलने ही वाली है। गाड़ी में बंद कर देता हूँ, इस थ्रॉटल स्पीड में अगर आप चलाते हैं तो आपको 38 टू 42 तक कम से कम एवरेज मिल सकता है। ठीक है, आइडियल जो आपका एवरेज है इस थ्रॉटल सेटिंग के साथ में। ठीक है, और पेट्रोल आपको ओवरफिल नहीं करना है, जिसकी वजह से चारकोल कैनिस्टर भी वर्क करे और आपको अच्छी एवरेज और मिले। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स का आप ध्यान देके आप एवरेज अच्छी करा सकते हैं। थ्रॉटल की ट्यूनिंग मैंने बताई, सॉरी आपके मैंने कार्बोरेटर की ट्यूनिंग बताई कि आप कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको घर में ही ये इजीली आप कर सकते होंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, सबका अलग अलग व्यूज़ हैं, आप वो भी देख के एक बार आप सीख सकते हैं कैसे थ्रॉटल सेटिंग करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, थम्सअप जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आया तो, एंड कीप वॉचिंग बुलेट गुरु, लव यू ऑल, टेक केयर।